तो गाइस हर दफा ये लेट करता है, अभी इसे उठाया मैंने, बैठा हुआ था आराम से यार। वालेकुम सलाम, यार जूता नहीं मिल रहा, जूता पता नहीं किधर गया, बहुत पड़ा है, किधर पड़ा हुआ है वो, तुम्हारा है ना, मेरा नहीं है ना, आपका भी वो है। मिट्टी बहुत ज्यादा क्लीन की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक सबको यार, जो देख रहे हैं उनको भी, जो नहीं देख रहे हैं उनको भी, जो नाराज हैं सबको ईद मुबारक। सो अभी ईद की नमाज़ पढ़ी है, कब्रिस्तान गए थे, दुआ वगैरह की है, और अभी कज़न का मैसेज आया था कि डेरे पर जाना है। डेरे तो क्या करने जाना है? आटा खवान जाना, आटा खवान, बच्चे ने आटा खवाना है, रोटियां ने रोटी खवानी है। चल ओए 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 बाग यार, ये क्या है? ओ यार डेरे भी आ चुके हैं, तो आपने देख लिया स्वागत हमारा कैसे हुआ था। तो अभी यार इनको रोटी वगैरह डाल दी, लेकिन खाई नहीं, फर्स्ट टाइम डाली है ना मैंने, मैं भी इसलिए ना खाता हूँ कि यार किसी ने कोई चीज़ मिलाई होगी, वो खा लो यार, कोई चीज़ नहीं मिलाई है। तो ये है बछड़ा, इसका आज लास्ट दिन है, कल सुबह इसको, तो अभी इसकी हाथ पतवाला करते हैं। इसके लिए हम लेके आए हैं आटा, तो अभी इसको आटा खिलाते हैं। खा ले आज आ रही देने तेरा, कल सैरी करवानी है, तेन ले जाना है। सो गाइस आटा तो हम खिला चुके हैं इसको, अब हम इसको करवाएंगे वॉक। सो उसके लिए हम लेके आएंगे चांजड़े और इसको डालेंगे चांजड़े। सो गाइस जो कुत्ता होता है ना, ये बहुत ही वफादार जानवर होता है। अभी ये मुझ पे भोंक रहा था, लेकिन मैं इसको रोटी जब खिलाई है ना, तो उसे काम ठीक हो गया, नहीं खवाया। सो गाइस ये बच गई थी, अब ये भी हम खिलाएंगे बछड़े को। यार तू तो काटता भी। गाइस काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि चांजड़ें क्या होती हैं, तो ये देख लेंगे यार, इनको बोलते हैं चांजड़े। अभी हम इसको पहनाएंगे चांजड़े और ओके। अब ये जैसे लड़कियां डांस करती छन छन नहीं करती, अब ये भी जब चलेगा ना तो ये भी छन छन करेगा। वाह करनी है, ओए ऊपर मुंह करना, ऊपर मुंह कर, वाह करनी है। अच्छा हाँ लेके जा रहे हैं आपको। तो गाइस को हमने पहना दिया है हार, हरा हार। तो गाइस इसको हमने वॉक करवा ली, इतनी वॉक बहुत है इसके लिए ना यार, ये तंग करने लग गया। अब हम इसको लेके जाएंगे डेरे पे और इसको बांध देंगे। चलिए सो गाइस जो हम काम करने थे वो हमने कर लिए हैं, अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो गया, तो घर चलेंगे। सो गाइस भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, सबसे पहले जाके कुछ खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो? बड़ा शुक्र है कि वीडियो बना नहीं नहीं तस्वीर बन रही है।
मोटे डिश का नाम क्या है? फ्रूट राइफल है। Later. So guys, time बज गया है 11:10, तो भूख लगी है, सोचा खाना खा लूँ। तो ये रोटी तवे की और साथ वाइट चिकन, तो अभी ये हम खाएंगे। Two hours later. So guys, मैं सो गया था और अभी कज़न की कॉल आई है कि बछड़े की कुर्बानी तो सुबह करनी है, लेकिन गांव में आज ही लेके आना है। सो अभी चलते हैं डेरे पे और बछड़ा लेके आते हैं। आ चुके हैं डेरे पे और अभी यार अभी 5 बजे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। इधर बछड़ा भी रेस्ट कर रहा है, मौसम ठंडा होता है, फिर हम लेके चलते हैं। और मेरे साथ आया है एक, ये है, ये देखो इसके काम चेक करो, जोकर। और एक ये मोटू है, और एक साथ ये राती मांझे चुक मार छे मार गया सी ना, कदी साडियां लत्तां थले वड़दा सी, असी ओदे उत्ते मांजे मारे सोटे मारे, ओ मरदा ही कौन सी, मैं उठ के वेपर मारिया, ओ वेपर ही टूट गया। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। A few moments later. Guys, धूप तकरीबन खत्म होने वाली है, वो देख लें सूरज ग्रुप होने वाला है। तो हमने सोचा अब मौसम भी ठीक हो गया, तो अभी इसको ले चलते हैं गाँव में, तो अभी इसको गाँव में लेके चलेंगे। पानी पीना है यार, इतनी गर्मी है यार, प्यास लग गई है, पानी की बोतल साथ लेके आनी चाहिए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच आए हैं, शुक्र है। तो गाइस हम ले आए हैं इसको गांव में और बांध दिया है इसको हवेली में, और कल इसको करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।